Hello friends, welcome to Education Shelf Live. Myself Dr. Riddhi Agarwal and I am here with the chapter 2 of 11th NCERT Biology, that is Biological Classification. तो ये chapter जो है काफ़ी लंबा है, इसलिए इसे मैंने दो parts में divide किया है. तो आज हम इसका part 1 पढ़ेंगे और कल हम इसका next part जो है वो पढ़ लेंगे. So हम आज पहले part से start करेंगे, ठीक है. So now first let's talk about the let's take some overview about the chapter. So, since many decades, there have been numerous attempts to classify the living organisms. अब living organisms जो हैं वो thousands of number में हैं, ठीक है ना. तो उन्हें classify करने की काफ़ी time से, बहुत time से even, है ना, बहुत attempts किए गए हैं, ठीक है ना. So, Aristotle was the first to attempt a more scientific basis for classification. अब हुआ क्या, पहले जो starting में जो classification किए गए थे, ठीक है ना, वो क्या थे, दे वर डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया दैट वॉज साइंटिफिक. तो वो साइंटिफिक क्राइटेरियाज पे बेस्ड नहीं थे, ठीक है ना. बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए थे जो कि साइंटिफिक क्राइटेरिया पे बेस्ड नहीं थे, बट एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट वन हु अटेम्प्टेड अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन. सो ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स. तो पहला साइंटिफिक बेसिस जो है वो एरिस्टोटल ने यूज़ किया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. वो वॉज द फर्स्ट वन टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक ऑन द साइंटिफिक बेसिस. सो एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट वन, ठीक है ना. और उसने क्या यूज़ किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ किए थे टू क्लासीफाई प्लांट्स इंटू ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स. सो ट्रीज जो होते हैं वो बड़े होते हैं, श्रब्स जो होते हैं उनसे छोटे होते हैं, हर्ब्स जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं. तो इस बेसिस पे, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, एरिस्टोटल ने पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू टू ग्रुप्स. अब उन्होंने प्लांट्स को तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस करके क्लासीफाई कर दिया, दूसरा एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया. ही क्लासीफाइड और डिवाइडेड एनिमल्स इंटू टू ग्रुप्स, those which had red blood and those who that did not. तो जिनके जो ब्लड है उसका कलर रेड है, एक तो वो हो गया ग्रुप, और एक दूसरा जिनका ब्लड का कलर रेड नहीं है, ठीक है. फिर लिनेयस जो थे हमारे, कैरलस लिनेयस वॉज अ फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर. अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज यूज, ठीक है ना. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही था, सिर्फ था कि प्लांट है और एक तरफ एनिमल्स हैं. द सिस्टम वॉज यूज, अभी तक भी यूज़ होता था ये सिस्टम थोड़े टाइम पहले तक, बट ये क्या डिस्टिंग्विश नहीं करता था कि विच वन ऑफ दैम आर यूकैरियोट्स एंड विच वन ऑफ दैम आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना. इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करता था. सो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता था. फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में तो सिर्फ यह था कि हाँ, जो ऐसे प्लांट्स से दिखने वाले सब चीज़ हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स या जो भी थिंग्स हैं वो प्लांटे में आएंगी, और जो एनिमल्स जैसे दिखने वाले हैं वो सब एनिमेलिया में आएंगे. तो बहुत सारी चीज़ें थी जिनको क्लासिफाई करना अभी बाकी था. सो आर एच विटेकर इन 1969 ही प्रपोज अ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो आर एच विटेकर जो थे हमारे, उन्होंने 1969 में प्रपोज किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, विच इंक्लूड्स किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था. पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, दैट वाज प्लांटे एंड एनिमेलिया, बट बाद में जो आर एच विटेकर है ना, 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, विच इंक्लूड्स किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. नाउ मेन क्राइटेरिया क्या यूज़ किया था उन्होंने, द मेन क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन बाय हिम वॉज सेल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स. तो ये सब चीज़ें जो है ये इन्होंने यूज़ की थी इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में. सेल स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनिज्म का, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरह से आपका पूरा जो थैलस, एक तरह से स्टेम को मान लो थैलस, ठीक है ना, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या है, ठीक है. नाउरियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, BGA, that is blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under the plants. अब क्या है, जो पहले वाले क्लासिफिकेशन थे उसमें बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, या फंजाई होता है, मॉस, फर्न्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया था, दैट इज प्लांट्स. द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड
हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स. तो अब इसका क्राइटेरिया क्या यूज़ किया था कि इन सब में, इनके सबके स्ट्रक्चर में सेल वॉल है, इसलिए सब प्लांटे में आ गए हैं या प्लांट्स के अंदर आ गए हैं, ठीक है ना. बट इट डज़ नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हीटरोट्रॉपिक ग्रुप दैट इज फंजाई. अब फंजाई के बीच में इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स. दो दे ऑल्सो शोड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन एज द फंजाई हैड काइटिन इन देयर वॉल्स व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोसिक सेल वॉल. सेल वॉल थी इनकी भी, माना फंजाई में भी सेल वॉल थी, बट इनका सेल वॉल का कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट था. ग्रीन प्लांट्स की जो सेल वॉल है उसके अंदर सेल्युलोस होता है, वाइल जो हमारा फंगस होता है, फंजाई होते हैं, उनकी सेल वॉल में जो होता है वो हमारा काइटिन होता है, ठीक है ना. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन वाइल द सेल वॉल ऑफ दिस ग्रीन प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्युलोस. नैन द फंजाई वर प्लेस देयरफॉर द फंजाई वर प्लेस इन किंगडम फंजाई. नाउ जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो ग्रुप्ड अंडर द किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दे वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा. तो ये जो तीन नए किंगडम ऐड किए, इसमें किंगडम फंजाई में सारे फंगस आ गए थे हमारे, किंगडम मोनेरा में सारे जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब आ गए थे, ठीक है, और किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए थे. आई होप दिस इज क्लियर. एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए. जो हमारे आर एच विटेकर हैं, उन्होंने सारे जो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, दैट इज किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है ना. तो पहले क्या है, प्लांट्स में सब इंक्लूड होते थे. क्यों? क्योंकि प्लांट्स, क्योंकि सब में सेल वॉल थी, इसलिए उनको प्लांट्स के उसमें इंक्लूड किया था. बाद में उसको डिस्टिंक्ट कर दिया गया. तो किंगडम फंजाई में फंगस प्लेस हो गए, किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स, और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जो हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में पास रख दिए गए. सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है ना, ऐसे ही सारे ऑर्गेनरीज ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. प्रिमिटिव सेल होती है एक तरह से मान लो, वो होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. वाइल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके प्रॉपर जो है हर ऑर्गेनली की मेम्ब्रेन होती है. सो दीज आर द प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स इंक्लूड आर्के एंड बैक्टीरिया, देन प्रोटिस्टा हेयर एंड यूकैरियोट्स. ये सब यूकैरियोट्स में आते हैं, चारों किंगडम, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा. वाइल द मोनेरा इज द यूकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक ग्रुप और प्रोकैरियोटिक किंगडम यू कैन से, ठीक है. नाउ फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द किंगडम मोनेरा. सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम. सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, मैंने बताया आपको सिर्फ मोनेरा ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना. तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे हमारे, बैक्टीरिया, सब तरह के बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया आर ओनली बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स. सो बैक्टीरिया आर द ओनली मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. Okay, they live in extreme habitats and they are the most abundant organisms also. Bacteria सबसे ज़्यादा abundant organisms हैं, ठीक है ना, as well as they live in extreme habitats like hot springs में मिल जाएंगे आपको, स्नो में भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे, डीप oceans में भी, मतलब जहाँ पे बाकी लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर पाती वहाँ पे आपको बैक्टीरिया हमारे मिल जाएंगे. So they live in extreme habitats such as hot springs and snow, deep oceans. और आपको, आप मिट्टी भी उठाएंगे, आप अगर एक मुट्ठी में आपने एक हाथ में मिट्टी ली जरा सी, उसमें भी आपको मिलियंस, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज उस मिट्टी में भी प्रेजेंट होंगे. देन मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड पैरासाइट्स. अब इनमें से जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी बैक्टीरिया हैं. अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब हार्मफुल बैक्टीरिया ही हों, दे आर सम यूजफुल बैक्टीरिया ऑल्सो. सो बैक्टीरिया दोनों ही तरह के काम करते हैं. तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और पैरासाइट की तरह भी रहते हैं कई बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के ऊपर. तो कई लोग बॉडी, कई जो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हैं वो बॉडी के ऊपर रहते हैं और कई जो है वो बॉडी के अंदर रहते हैं एज पैरासाइट्स. नाउ द बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज. शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को फोर कैटेगरीज में डाला गया है. फर्स्ट शेप इज स्फेरिकल शेप, ठीक है ना. तो इनको बोला गया है कोकस. आई विल शो यू द पिक्चर्स, ठीक है. एक होता है रॉड शेप्ड लाइक दिस. सो दीज आर बेसिलस और बेसिलाई इन प्लूरल फॉर्म. देन एक होते हैं कॉमा शेप्ड लाइक दिस. ओके, सो दीज आर विब्रियम और विब्रियो. विब्रियो कोलेरा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना.
देन एक होता है स्पाइरल, ऐसे स्पाइरल होते हैं ये, ठीक है ना, इनके यहाँ सीलिया होते हैं ऐसे, दीज आर दी स्पाइरलम, ओके. सो दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, देयर इज कोकाई, कोकाई इज अ न्यूक्लियर फॉर्म, ओके, देन स्पाइरला, देन बेसिलाई, एंड दिस इज दी विब्रियो, कॉमा शेप्ड, और यू कैन से सम किडनी शेप्ड ऑल्सो, नॉट फुल्ली किडनी शेप्ड, बट या समटाइम्स किडनी शेप और कॉमा शेप, दीज आर दी विब्रियो. नाउ दो द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, दो दे आर हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर, लाइक दिस इज राउंड, दिस इज रॉड शेप, दिस इज स्पाइरल, दिस इज कॉमा शेप, तो सो देयर स्ट्रक्चर इज रियली सिंपल, बट देयर बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स. वाई? बिकॉज एज कम्पेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, दे शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, लाइक सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, वे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. नाउ दीज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑल्सो दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, ओके, और कीमोसिंथेटिक, टू टाइप्स, ओके. द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया दे आर हिटरोट्रॉफ्स, सो सम आर ऑटोट्रॉफ्स only and vast or more number are heterotrophs. Now what are heterotrophs? They do not synthesize their own food and they depend on other organisms or on dead organic matter too for food. So only if we can say, suppose there are 100 bacteria, so 20 bacteria are autotrophs, while most of them, that is 80% bacteria, are heterotrophs and they do not manufacture their own food. They depend on other organisms or on dead organic matter for their food. And those who are autotrophs, they are of two types, photosynthetic or chemosynthetic. So photosynthetic are like plants, which uses sun for preparing their food, and chemosynthetic, they use chemicals. They live in harsh environments, so they use chemicals to prepare their food. Now we will talk about the different classes of this kingdom, that is archaebacteria. So archaebacteria are those bacteria which live in some of the most harsh habitats, like extremely salty areas, which are known as halophiles, hot springs, which are known as thermoacidophiles, these bacteria are known as, okay, and marshy areas, that is methanogens. So those who live in extremely salty areas are known as halophiles. So halo word is used for salt and phile word is used for loving. So they are salt loving. Hot springs, they are thermoacidophiles. So they are thermoacidophiles, means therm means hot, so they are hot springs, they are hot spring lovers. Then marshy areas, methanogens, who produce methane gas. So they have a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. So how they can live in such extreme condition is that their cell wall structure is somehow different from the other bacteria, and this cell wall, this difference in the cell wall structure is responsible for their survival in extreme conditions. तो एक्सट्रीम कंडीशंस में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि उनकी जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंस होता है जो उनको उससे अडेप्ट करवाता है. नाउ मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रिमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलोज. अब जो हमारी काउज और बफेलोज होती हैं, दे आर रिमिनेंट एनिमल्स एंड सॉरी बफेलोज नॉट रफेलोज बफेलोज जो होती हैं, इनके अंदर मिथेनोजेंस जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं. तो यही बात है कि मेथेनोजेंस हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे रिमिनेंट एनिमल्स होते हैं लाइक काउज एंड बफलोज, उनके गट में ये प्रेजेंट होते हैं. और किस क्या काम करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, ठीक है ना, मीथेन दैट इज द बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है ना. तो जो गोबर होता है इन एनिमल्स का, काउज और बफेलोज का जो गोबर होता है, उनसे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, इन मेथेनोजेंस की वजह से ही वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना. अब रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को ये सब पता होगा, जो च्यू करके खाते हैं, ठीक है ना, और रिजर्जिटेट करते हैं उनके रूमेन से, गट से, वो होते हैं हमारे दिस रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है ना. तो काउज और बफेलोज हमारे ऐसे ही एनिमल्स हैं, और उनकी डंग से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से, इन आर्के बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्के बैक्टीरिया. सी दिस इज फ्लैजिला फॉर द मोमेंट, दीज आर द फिम्ब्रिए, दीज आर दी ऑर्गेनलीज लाइक राइबोसोम्स, क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, एंड दिस इज द कैप्सूल, द स्ट्रक्चर, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म. देयर इज नॉट मच डिफरेंस, बट डिफरेंस इज इन द सेल वॉल व्हिच हेल्प देम टू अडैप्ट दिस हार्श एनवायरनमेंट. देन कम्स द यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, एज दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, एंड इफ
they are motile, if they are moving, then a flagellum is present. If they are sessile, sessile means they are बस एक ही जगह जो रहते हैं, ठीक है ना, मतलब मूव नहीं करते हैं जो बैक्टीरिया. सो दे डू नॉट हैव एनी मोटाइल मूवमेंट, लोकोमोटिव ऑर्गन. वाइल इफ दे आर मूविंग, ठीक है ना, अगर वो मूवमेंट करते हैं तो दे हैव अ लोकोमोटिव ऑर्गन विच इज़ नोन एज फ्लैजिलम. ठीक है, तो जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं वो यू बैक्टीरिया के अंडर आते हैं. ठीक है, नाउ द साइनोबैक्टीरिया विच आर ऑल्सो नोन एज BGA, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है ना, तो BGA होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी, उन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं. ठीक है ना, तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. सो अब जो ये साइनोबैक्टीरिया हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसा हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है फूड बनाने के लिए, वैसा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनमें, और इसीलिए इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे. मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफ्स की दो कैटेगरीज हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक. तो BGA विल बी कवर्ड अंडर द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है ना, देन दी साइनोबैक्टीरिया दे आर यूनिसेल्युलर और कॉलोनियल और फिलामेंटस और फ्रेश वाटर मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी. अब ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, दे कैन बी यूनिसेल्युलर, ओके, और कॉलोनल और फिलामेंटस, कॉलोनियल और फिलामेंटस यानी कि सिंगल एक फिलामेंट भी हो सकता है और वो कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, या फिर दो फ्रेश वाटर या मरीन, दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, या फिर टेरेस्ट्रियल, तीनों में से, सॉरी, इधर दे कैन बी फ्रेश वाटर और मरीन इफ़ दे आर ड्वेलिंग इन वाटर, और इफ़ दे आर लिविंग इन लैंड देन दे कैन बी टेरेस्ट्रियल एल्गी. नाउ द कॉलोनीज दे आर जनरली सराउंडेड बाई द जिलेटिनस शीट. सो द कॉलोनीज ऑफ दीज बैक्टीरिया दे आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीट, एज यू कैन सी हेयर दिस शीट, दिस डॉटेड शीट, ओके, दिस इज द जिलेटिनस शीट और म्यूसिलेजिनस शीट. So this is a single filament of the nostoc, which is a blue green algae. This is the microscopic picture of the nostoc and this is the line diagram. So this is the mucilaginous sheath which is covering these algae. Okay, they often forms bloom. Now these algae, they are responsible for forming the blooms in the polluted water bodies. आपने कई बार देखा होगा जब पानी गंदा हो जाता है उसमें ऊपर काई सी जम जाती है, ठीक है ना, जैसे हम काई बोलते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की, दिस काई इज दीज एल्गी. ठीक है ना, तो ये ब्लूम्स बना देते हैं जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पे. अब सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म दे कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स विच आर नोन एज हिट्रोसिस्ट. अब हमें यहाँ पे हिट्रोसिस्ट दिख रही है, ये देखो, दिस क्लियर सेल और इस डायग्राम में हम देखेंगे तो दिस इज द हिट्रोसिस्ट. ओके, तो दीज आर दी सिंपल सेल्स ऑफ दिस BGA, वाइल दीज आर दी heterocyst. So what happens in this heterocyst is some BGA, they fix nitrogen in their body. So this is the place, or the heterocyst is the place where they fix the atmospheric nitrogen. Okay, examples of such type of BGA are nostoc and anabaena. If you want, you can write down the examples, that is nostoc and anabaena. Okay. Then, chemosynthetic autotrophic bacteria, they oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. मैंने आपको बताया ही था, वो लोग chemicals use करते हैं जो chemosynthetic होते हैं, like nitrites, nitrates, ammonia, और फिर जो released energy होती है उसको ATP production में काम में लेते हैं. They play a great role in recycling the nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. तो जो हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. ओके, नाउ कम्स दी हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हीटरोट्रॉफिक होते हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं. ठीक है, देन वन सेकेंड, the heterotrophic bacteria are present in the most number. Okay, so their majority are important decomposers. अब उनमें majority क्या होते हैं? Decomposers होते हैं. ठीक है, जो heterotrophic bacteria होते हैं उनमें जो majority होते हैं they are decomposers. Now many of them they have a significant impact on human affairs.
अब जो कुछ होते हैं वो ह्यूमंस को काफ़ी इफेक्ट करते हैं, जैसे दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है ना। अब जो लैक्टोबैसिलस होता है इट इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरिया, ठीक है ना, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क। नाउ दे सम आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, कुछ होते हैं विच आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। समटाइम्स दे फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, ठीक है ना, कुछ एक होते हैं जो लेग्यूम रूट्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, ठीक है ना। तो तीन चार चीज़ें हो गई, जैसे कर्ड बनाते हैं मिल्क से, एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स के सोर्सेज होते हैं कुछ, प्रोडक्शन में काम में आते हैं, और कुछ नाइट्रोजन को है जो लेग्यूम रूट्स होती हैं उसमें फिक्स करते हैं, जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें। अब इसमें से कुछ जो होते हैं सम आर पैथोजन ऑल्सो विच कॉज डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स, पेट्स को, जैसे हमारा कोलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, टिटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये सब जो है हमारी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। तो आपको ये ध्यान रखनी है, कोलेरा है हमारा जैसे, ठीक है, टाइफॉइड होता है, टाइफॉइड तो बहुत ही कॉमन है, आप में से बहुत लोगों को हुआ भी होगा, टिटनस जो होता है हमारा, ठीक है ना, सिट्रस कैंकर, दे ऑल आर दी दिस बैक्टीरियल डिजीजेज। सो बैक्टीरिया अच्छे भी हैं ह्यूमन कॉज के लिए एंड दे आर पैथोजेनिक ऑल्सो। सो बैक्टीरिया, अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सो दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, बट समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है ना। अब क्या है, वैसे तो फिशन से प्रोड्यूस होते हैं, अब फिशन कैसे, जैसे सपोज करो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, तो फर्स्ट ये ऐसा रहेगा, फिर ये थोड़ा थोड़ा ऐसे बन जाएगा यूँ, ठीक है ना, फिर ये और पतला हो जाएगा बिल्कुल यूँ एकदम पतला, ठीक है ना, और फिर ये यहाँ से टूट जाएगा एंड इट विल फॉर्म टू बैक्टीरिया। तो मेनली ये इस हिसाब से होते हैं, फिशन से बनते हैं, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं तो वो स्पोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, ठीक है ना। एक और इनका डिफरेंट तरीका है रिप्रोड्यूस करने का, विच कम्स अंडर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं, जैसे दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, सपोज देर आर टू बैक्टीरिया, या दिस एंड दिस, ठीक है ना, दे कम क्लोजर, ओके, दे जॉइन टुगेदर एंड देन फॉर्म अ सिंगल बैक्टीरिया लाइक दिस, एंड दे ट्रांसफर, सपोज दिस इज द डीएनए एंड दे ट्रांसफर देर डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। तो ये टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, लाइक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है इसमें फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ओके, देन द माइकोप्लाज्मा कम अंडर दिस यू बैक्टीरिया ओनली। सो द माइकोप्लाज्मा दे आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, इसमें कोई सेल वॉल नहीं दिखाई दे रही है आपको। सो दे कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल एंड दे आर ऑल्सो द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ठीक है ना, नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो तीन इनकी पिक्योरिटीज हैं, एक तो इनमें सेल वॉल नहीं होता, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, ठीक है ना, अभी तक जितनी भी सेल्स पता चली हैं उसमें से दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। ओके, देन दे ऑल्सो कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। देन मैनी माइकोप्लाज्मास दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब कुछ मैनी कुछ नहीं बहुत माइकोप्लाज्मास जो होते हैं दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, आई होप दिस किंगडम इज क्लियर। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा। सो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स तो सारे ही किंगडम्स में हैं मोनेरा को छोड़ के, बट सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो हैं वो सब किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सारे यूकैरियोट्स में नहीं है, सिर्फ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो हैं सारे वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे हैं, लाइक क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स, प्रोटोजोआस, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम एंड वी विल रीड अबाउट देम इन डिटेल टुडे ओनली। दे आर प्राइमरली एक्वेटिक, सो मेम्बर्स ऑफ दिस ग्रुप दिस किंगडम दे आर प्राइमरली एक्वेटिक, दे आर बहुत कम है ऐसा कि दे आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ दी मेम्बर्स दे आर एक्वेटिक, पानी में ही रहते हैं। देयर सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनकी बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और बाकी सारे ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं बिकॉज दे आर यूकैरियोट्स। मैंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये डिफरेंस बताया था, यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहते हैं, प्रिमिटिव टाइप सेल होती है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है उसमें, ठीक है, बट दे हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एज वेल एज अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज।
अब जो ये होते हैं हमारे इनकी सेल बॉडी जो होता, हाँ सॉरी, दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली एंड सेक्शुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो हमारे जो प्रोटिस्ट हैं वो दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्शुअली एज वेल एज ए सेक्शुअली, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द सेल फ्यूजन एज वेल एज जाइगोट फॉर्मेशन। नाउ द फर्स्ट क्लास इज द क्राइसोफाइट्स और क्रिसोफाइट्स यू कैन से। सो दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ठीक है ना। तो अब इसमें दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दैट इज डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। सो गोल्डन एल्गी दे आर ऑल्सो नोन एज डेस्मिथ्स। यू हैव टू रिमेंबर द अनदर नेम ऑफ द गोल्डन एल्गी, दैट इज डेस्मिथ्स। नाउ दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट। अब एक्वेटिक हैं क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द मेम्बर्स जो हैं प्रोटिस्टा के दे आर एक्वेटिक, ठीक है ना। तो जो हमारे गोल्डन एल्गी और डायटम्स हैं वो फ्रेश वाटर और मरीन दोनों एनवायरमेंट में मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, ठीक है ना। अभी जो डायटम्स और गोल्डन एल्गी हैं बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, मतलब जहाँ जहाँ वाटर करंट जाता जाएगा ये उसी के साथ बहते जाएंगे, एक्टिव नहीं होते कि उसके अगेंस्ट जा सके, ठीक है ना, उसके साथ साथ ये चलते जाएंगे। नाउ मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है ना, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, खुद ही बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मान लीजिए इनको, ठीक है ना। सो दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। अब डायटम्स में क्या होता है, डायटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ठीक है ना। जो डायटम्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो दो ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, जैसे सोप बॉक्स होता है, सॉरी ऐसे नहीं, यों करके ऐसे ये इसका ढक्कन, ठीक है ना। तो इस तरह की ये शेल बनाती हैं, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर इन इटसेल्फ लाइक अ सोप बॉक्स। तो ये डायटम्स का स्ट्रक्चर है। नाउ द वॉल्स ऑफ द डायटम्स दे आर एम्बेडेड विद सिलिका, ठीक है ना। अब ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है ना, कि जो सिलिका है वो एम्बेडेड रहता है इसकी वॉल्स में, डायटम्स की वॉल्स में। इसीलिए जो डायटम्स होते हैं दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है ना, उन्हें आप मतलब वो डिग्रेड नहीं होते हैं, दे आर इंडेस्ट्रक्टिबल बिकॉज सिलिका इज एम्बेडेड इन देयर वॉल्स। नाउ दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। इसीलिए क्या होता है, व्हेन दे डाई तो उनकी सेल वॉल जो है वो वहीं पे छूट जाती है, उनका जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी हैबिटेट होती है वहीं पे उनकी सेल वॉल छूट जाती है और एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत ही बड़ा अमाउंट में वो सेल वॉल डिपॉजिट वहाँ रहते हैं। नाउ दिस एक्यूमुलेशन, अब इस एक्यूमुलेशन को ओवर ईयर्स इज नोन एज डायटमेशियस अर्थ, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, ठीक है ना। तो इस एक्यूमुलेशन को जब बहुत सारे डायटम्स जो हैं सेल उनकी सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है एक जगह तो उस और बहुत सालों तक होती रहती है उसको फिर डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं हम। नाउ बींग ग्रिटी, अभी क्या ऐसे स्लिपरी सी होती है, सो इट इज़ यूज इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ठीक है ना। अब तीन तरह काम आती है जो डायटम्स डायटमेशियस अर्थ होती है, सी दिस इज द डायटमेशियस अर्थ। सो इट इज़ यूज इन पॉलिशिंग, ठीक है ना, पॉलिशिंग में काम आती है और फिल्ट्रेशन में काम आती है। फिल्ट्रेशन किसका, ऑयल्स का और सिरप्स का, ठीक है ना। दिस पिक्चर इज ऑफ गोल्डन एल्गी, दैट इज डेस्मिथ्स, ओके। और डायटम्स दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, एक इंपॉर्टेंट थिंग और है, जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स बोला जाता है उनको ओशियंस के, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। लाइक ऑन द टेरिस्ट्रियल और ऑन द लैंड द प्लांट्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स, बट इन द ओशियन दीज डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ कम्स द डायनोफ्लेजिलेट्स। नाउ द डायनोफ्लेजिलेट्स दे आर ऑल्सो मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, ओके। दे आर लेस विच रिसाइड इन द फ्रेश वाटर, लेस नंबर विच रिसाइड इन फ्रेश वाटर, दे आर मोस्टली मरीन एज वेल एज फोटोसिंथेटिक। नाउ दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सो दे आर कलरफुल ऑर्गेनिजम्स। नाउ दे अपीयर येल्लो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, उनमें जो भी पिगमेंट होगा जिस भी कलर का उस तरह के वो आपको दिखाई देंगे। नाउ द सेल वॉल दैट हैज़ अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस, अब जो आउटर सर्फेस होता है इसका, उसकी जो सेल वॉल का आउटर सर्फेस होता है वहाँ पे बहुत ही स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं इसमें, ठीक है। नाउ द मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ठीक है ना। अब इनमें क्या है, मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स दे हैव टू फ्लैजिला, सो वन फ्लैजिला इट लाइज लॉन्गिट्यूडिनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो एक सपोज करो दिस इज फ्लैजिला, दिस इज डायनोफ्लैजिलेट्स,
तो एक फ्लैजिला जैसे लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है और एक इन दोनों प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो प्लेट्स होती हैं हमारी वॉल प्लेट्स, उनके फरों के बीच में प्रेजेंट होता है। बहुत एक रेड डायनोफ्लैजिलेट होते हैं जिनको हम गोनियोलक्स बोलते हैं, नाम है उसका, ठीक है, गोनियोलक्स, गोनियोलक्स। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ रेड डायनोफ्लैजिलेट, रेड कलर का होता है ये, इसी टाइप का होता है ये, ठीक है ना। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, ये इतना मल्टीप्लाई होता है, इट अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, ठीक है ना। जिससे क्या है, कभी कभी ये इतने ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई कर जाते हैं कि जो समुद्र होता है आपको, जो आपका सी होता है, वो हमें लाल कलर का दिखने लगता है। आई विल शो यू द पिक्चर लाइक दिस। सो दिस इज़ अ रेड, रेड कलर इज अपियरिंग। तो ये खून का नहीं है रेड कलर, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गोनियोलक्स और द रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। सो दिस कंडीशन इज नोन एज रेड टाइड, ठीक है ना। इस कंडीशन को हम रेड टाइड बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का। नाउ द टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। अब क्या है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और इनके टॉक्सिन की वजह से जो दूसरे मरीन एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस, दे कैन डाई, ठीक है ना। तो इट्स नॉट अ गुड कंडीशन। नाउ कम्स द यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स इट दे विल ऑब्वियसली दे विल इंक्लूड यूग्लिना ऑफ विद द पिक्चर इज हेयर। देन मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि हमारे जो ये थे क्रिसोफाइट्स थे, सॉरी डायनोफ्लैजिलेट्स थे, दे वर मोस्टली मरीन, बट जो यूग्लिनॉइड्स हैं दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। जो रुका हुआ पानी होता है उसमें मिलते हैं ये, चलते हुए पानी में नहीं मिलेंगे। दे आर मोस्टली फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। देन इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देअर बॉडी फ्लेक्सिबल। आई मीन कि इनमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं, और इस पेलिकल की वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। सो दिस प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेलिकल, इट मेक्स देअर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। सो दे ऑल्सो हैव टू फ्लैजिलम, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। दे आर फोटोसिंथेटिक एज वेल एज दे आर हेटरोट्रॉफ्स। सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, वाइल दे आर दे कैन ऑल्सो भी हेटरोट्रॉफ्स। तो दोनों तरह के होते हैं, खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड रह सकते हैं। नाउ इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरेस्टिंगली एक बात है, इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दिस द पिगमेंट्स दे आर आइडेंटिकल टू दी टू दोज पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दी हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और जो इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यूग्लिनॉइड्स में, दे आर सिमिलर। नाउ एग्जाम्पल इज यूग्लिना। एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ यूग्लिना। दिस इज द न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस इज द पेलिकल विच इज द लेयर, प्रोटीन रिच लेयर इंस्टीड ऑफ सेल वॉल। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग दैट द यूग्लिनॉइड्स डू नॉट हैव सेल वॉल, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेलिकल। ओके, नाउ कम्स द स्लाइम मोल्स। नाउ द स्लाइम मोल्स दे आर द सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक मतलब दूसरी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पर जो लिव ऑन करते हैं वो होते हैं डेड ऑर्गेनिक, सॉरी सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। अब इनकी जो बॉडी है, जो डिकेड पड़ा हुआ है ट्विग्स और लीव्स, जो ऐसे कचरा पड़ा हुआ रहता है डिकेड, उसमें ऐसे जाके मूव करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को खाते हुए जाते हैं। सूटेबल कंडीशन होगी अगर इनके लिए, तो दे विल फॉर्म एन एग्रीगेशन विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम। सो इफ देयर इज अ सूटेबल कंडीशन फॉर देम, देन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम, एंड दिस प्लाज्मोडियम इट कैन ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में कवर कर सकता है ये। देन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेता है और फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है जिसके टिप पे स्पोर्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है, जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरिया हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, देन दी स्पोर्स दे पजेस ट्रू वॉल्स। अभी जो स्पोर्स होते हैं इनके अराउंड ट्रू वॉल होती है, ठीक है ना, इट इज़ नॉट अ फॉल्स वॉल, इट इज़ अ ट्रू वॉल। देन दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब ये क्या है, इनके अराउंड वॉल है और ये बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, ईजिली गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये एनवायरनमेंट की कंडीशंस से
आराम से रेजिस्ट कर सकते हैं एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशंस एंड दे आर दीज स्पोर्स दे आर डिस्पर्स बाय द एयर करंट्स, हवा के थ्रू ये एक तरफ से दूसरी तरफ दूसरी जगह जाते हैं. ठीक है ना, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ स्लाइम मोल्ड. ओके, दिस वन इट इज़ प्रेजेंट ऑन अ वुड डिकेइंग वुड, यू कैन सी द ब्लैक कलर, सो दिस इज़ द डिकेइंग वुड एंड दिस इज द स्लाइम मोल्ड. देन कम्स द प्रोटोजोअन्स. Now, all protozoans, they are heterotrophs and they live as predators or parasites. So, जो सारे protozoans हैं वो heterotrophs होते हैं, कोई भी autotroph नहीं होता है. तो चाहे photosynthetic हो चाहे chemosynthetic हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि they are not autotrophs. So, they all are heterotrophs और वो parasites या predators की तरह रहते हैं दूसरे organism की body पे. अब इनके भी चार major group हैं. Okay? So, the four major groups of the protozoans are amoebid protozoans, then flagellated protozoans, ciliated protozoans and sporozoans. So first we will talk about the amoebid protozoans. Now amoebid protozoans, they live in fresh water and sea or moist soil. So they can be found in water, sea water or moist soil. ठीक है ना, fresh water में मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना, sea water में मिल सकते हैं और moist soil में भी मिल सकते हैं. Now they move and capture their prey by putting out the pseudopodia as an amoeba. ठीक है ना, तो ये amoebid protozoan का एक डायग्राम है. तो ये क्या है, जैसे ये सपोज करो अमीबा है, ठीक है ना, यहाँ पे इसका प्रे है, ठीक है ना, दिस इज़ द प्रे ऑफ अमीबा. तो अब ये कैसे करेगा, इसको पकड़ेगा, जो इसका pseudopodia है उसको निकालेगा, ऐसे लेगा यहाँ अपने स्ट्रक्चर को, ऐसे करेगा ये इसके फॉल्स फीट. pseudopodia means pseudo means false, podia means feet. So they will capture their prey by putting out the pseudopodia as an amoeba. और फिर उसके बाद last stage क्या होगी, ये और पास आ जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ये अंदर आ जाएगा, ठीक है ना. Then marine forms, they move and capture. Then the marine forms, they have silica shells on their surface. जो marine forms होती हैं, that is जो sea water में मिलते हैं हमें, ये amoebid protozoans, they have silica shells on their surface. उनकी सरफेस पे सिलिका शेल्स होती हैं, ठीक है ना. एग्जांपल्स क्या हैं इसके, एंट अमीबा, ठीक है ना. सो एंट अमीबा कोलाई भी होता है जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करता है. सो एंट अमीबा कोलाई, दीज आर दी पैरासाइट्स, ये तो पता ही है, दे लिव एज पैरासाइट्स ऑफ प्रेडेटर्स. सो एग्जांपल इसका लिख लीजिएगा आप लोग, एंट अमीबा इज द एग्जांपल फॉर अमीबिड प्रोटोजोआ. देन द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, द मेंबर्स आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक एंड हैव फ्लैजेला. सो या तो ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है ना, या पैरासिटिक होते हैं और इनके फ्लैजिला होती है. सी दिस इज़ द फ्लैजिला एंड द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस. अब ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, लेकिन जो पैरासिटिक होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस होती है, ठीक है ना. दिस डिजीज इज कॉज बाय द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स, ठीक है ना. एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा, जिसका डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, दिस इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन दैट इज ट्राइपैनोसोमा. ओके, सो दिस इज द फ्लैजिलम, दिस इज द अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन मींस व्हिच हेल्प इन मोटिलिटी. ओके, देन कम्स द सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स. नाउ सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, दे आर एक्वेटिक एंड दे आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म. सो दे डू नॉट मूव पैसिवली, कि जहाँ पे करंट लेके जाए वाटर करंट वहीं पे जाएंगे. दे कैन ऑल्सो मूव अगेंस्ट द करंट, सो दे आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया. अब जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं. आई विल शो यू द पिक्चर. या दिस इज पैरामीशियम इज द एग्जाम्पल ऑफ द सीलिएटेड प्रोटोजोअन. सो इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया ऑन इट्स सर्फेस. तो इन सीलिया के मूवमेंट की वजह से दे बिकम द एक्टिव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो दे हैव अ कैविटी विच इज नोन एज द गुलेट. ओके, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस. सो दिस इज द कैविटी, दीज आर द फूड वेक्यूल्स, दिस इज अ कैविटी विच ओपन्स आउट टू द ऑरल ग्रूव, विच ओपन्स आउट टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस. ओके, सो द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया इट कॉज द वाटर लेडन फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुलेट. अब होता क्या है, इनका जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से जो फूड होता है, ठीक है ना, वाटर होता है, उसके अंदर जो फूड होता है, वाटर लेडन, फूड लेडन वाटर जो होता है वो इसके अंदर जाता है और फिर ये उसको उससे अपना खाना खाते हैं. तो ये है इनका प्रोसीजर, ठीक है ना. गुलेट है और सीलिया की वजह से ऐसे सीलिया जो है उनका मूवमेंट इस तरह से होता है कि जो फूड लेडन वाटर होता है वो उसके अंदर जाए और वो उसे खा सके.
तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिया पैरामीशियम, ओके. देन कम्स दी स्पोरोजोअन्स. नाउ दे इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. ठीक है ना, अब इसमें वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो स्पोर लाइक स्टेज होती है वो इन्फेक्शियस होती है इन सब में, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है. प्लाज्मोडियम की काफ़ी स्ट्रेन्स हैं, वाइवैक्स है, फैल्सिपुरम है, ठीक है ना. तो बहुत सारी स्ट्रेन्स है प्लाज्मोडियम की. तो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है स्पोरोजोअन का वो है प्लाज्मोडियम. ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है. ये आपको उसने मॉस्किटो ने बाइट किया, फिर स्पोरोजाइट्स बने, लिवर को अटैक किया लिवर सेल से, फिर रिलीज हुए मेरोजोइट्स, उन्होंने आरबीसी को अटैक किया, फिर आरबीसी जो हैं वो फटती हैं. तो जब आरबीसी फटती हैं, जब हमें बुखार आता है मलेरिया में, ठीक है ना, तो ये जो है कॉरस्पॉन्ड करता है टू दी फीवर, द ब्रेकिंग ऑफ दी आरबीसीज. फिर इसमें से गमीटोसाइट्स निकलते हैं, फिर गमीट बनते हैं, फिर इन दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर वापस से जाइगोट मियोसिस करके वापस से उसको ये वेक्टर बनता है और फिर ये खाता है. तो ये दिस इज़ दी लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम विच इज़ दी कॉजिंग एजेंट ऑफ द मलेरिया. ओके, नाउ कम्स दी अनदर किंगडम, दैट इज़ दी किंगडम फंजाई. नाउ द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट्स अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. अब फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब हेटरोट्रॉफिक है, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक. वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, ठीक है ना. नाउ सम ऑफ देम दे कॉज डिजीज व्हाइल अदर्स आर यूजेस सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही ख़राब हों, ठीक है ना. उसमें से कुछ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की तरह यूज़ होता है, जैसे हमारा पेनिसिलियम है, इट इज़ अ फंजाई एंड इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक. फिर कुछ होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, जैसे वीट रस्ट करता है. पक्सीनिया सुना होगा आपने, पक्सीनिया करके एक फंजाई होता है जो कि वीट रस्ट कॉज करता है. पक्सीनिया, इट कॉजेस वीट रस्ट, ठीक है. तो सारे ही अच्छे नहीं होते और सारे ही बुरे नहीं होते. कुछ यूनिसेल्युलर फंजाई होते हैं, जैसे यीस्ट, इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, ठीक है ना. देन दे आर कॉस्मोपॉलिटन. सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे अकर एवरीवेयर इन एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, सब पे मिल जाएंगे आपको फंगस. सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, ठीक है ना, हर जगह मिल जाते हैं. नाउ दे आर फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर. अब जो फंजाई होते हैं, दे ऑल फंजाई आर दी फिलामेंटस एक्सेप्ट अ सिंगल फंजाई, दैट इज यीस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर. नाउ देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम हाइफे बोलते हैं. अब जो फंजाई की बॉडी होती है वो लंबी सी होती है, बिल्कुल पतली सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें, जिसको हम फंजाई हाइफे बोलते हैं. एंड अगर ये नेटवर्क बन जाए हाइफे का उसको, तो उसको बोलते हैं माइसीलियम. तो सिंगल स्ट्रक्चर जो होता है, सिंगल फिलामेंट या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसे हाइफे बोलते हैं. एंड अ नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज दी माइसीलियम. तो ये इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन कर लेना आसान रहेगा. तो हाइफे इज फॉर अ सिंगल टर्म एंड अ नेटवर्क ऑफ हाइफे इज दी माइसीलियम. सो सम हाइफे दे आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म एंड आर नोन एज सीनोसाइटिक हाइफे. अब कुछ हाइफे क्या होते हैं, दे आर दी कंटिन्यूस ट्यूब्स, ठीक है ना, बहुत कंटिन्यूस ट्यूब्स होती हैं जो आर फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. तो कुछ हाइफे ऐसे होते हैं दे आर विच आर फिल्ड विद साइटोप्लाज्म हैविंग मल्टी न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस. एंड दीज हाइफे दे आर नोन एज दी सीनोसिटिक हाइफे, ठीक है ना. तो इस टाइप के हाइफे जिनमें न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसको हम सीनोसिटिक हाइफे बोलेंगे, ठीक है. नाउ दी फंजाई दे ऑल्सो प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है ना. अब जो गर्म और नमी वाली प्लेसेस होती है वहाँ पर फंगस ज़्यादा जमता है. नाउ मोस्ट फंजाई दे आर हेटरोट्रॉफिक एंड दे एब्जॉर्ब दी सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड आर हेंस नोन एज सेप्रोफाइट्स. अब बहुत सारे फंजाई जो होते हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं और सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जो डेड जो भी डेड सब्सट्रेट है आपके, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, उससे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, उसे एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उन्हें सेप्रोफाइट्स बोलते हैं. अब कुछ दूसरी तरह के भी होते हैं, लाइक दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. जो दूसरे लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे रहते हैं उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है. दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंस, ठीक है ना, और वो एक दूसरे के साथ भी रह सकते हैं, इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकन्स, ठीक है ना. तो लाइकन होता है जो, उसमें उस वो किसका एसोसिएशन होता है, फंजाई प्लस एल्गी.
तो जरूरी नहीं है दूसरों पे ही रहें एज अ पैरासाइट, दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंस, मतलब दूसरों के साथ भी रह सकते हैं एज लाइकन्स विद एल्गी एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, ठीक है ना। तो माइकोराइजा वो होते हैं जो हायर प्लांट्स होती है ना उनके रूट में रहते हैं ये कुछ फंजाई, तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दो एसोसिएशन याद रखनी है आपको, माइकोराइजा एंड लाइकन्स। ओके, नाउ द रिप्रोडक्शन इन द फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग, ठीक है ना। तो अब वेजिटेटिव मीन्स से होता है इनका रिप्रोडक्शन, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन ले लो, ठीक है ना, फिशन से या बडिंग से। बडिंग मैंने उस दिन आपको हाइड्रा वाला बताया था, बस वैसा ही बडिंग होता है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कुनीडिया, स्पॉन्जियो स्पोर्स, जू स्पोर्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था जो भी होता है वो स्पोर्स से होता है, ठीक है ना, इन अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है ना। तो जो स्पोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इधर दे आर नोन एज कुनीडिया और स्पॉन्जियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। तो क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि स्पॉन्जियो स्पोर्स आर विच टाइप ऑफ स्पोर्स, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, सो दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है ना। तो ये तीनों का नाम याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेक्सुअल स्पोर्स, कुनीडिया, स्पॉन्जियो स्पोर्स एंड जू स्पोर्स। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट अकर्स बाय ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि विच स्पोर्स आर दी सेक्सुअल स्पोर्स, दैट इज ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स। इन सब के नाम याद रखना क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से बन के आ जाएगा और फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देन द सेक्सुअल साइकिल इट इन्वॉल्व्स थ्री फेजेस। अब जो सेक्सुअल साइकिल होती है फंजाई की उसमें थ्री फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गमीट्स, या तो मोटाइल गमीट्स हैं, ठीक है ना, विच कैन मूव, या फिर नॉन मोटाइल गमीट्स हैं विच आर ससाइल, एक ही जगह रहते हैं। तो इन दोनों में जो फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। उसके बाद क्या होगा, दोनों उनके न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा जिसको बोलेंगे कैरियोगेमी। और उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा ये, फिर उस जाइगोट में मियोसिस होगा जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। एन बोलते हैं जिसको, टू एन इज डिप्लॉइड एंड एन इज हैप्लॉइड। तो पहले जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज किया, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, फिर जाइगोट बन जाएगा न्यूक्लियस फ्यूज करके एक सिंगल, और फिर इसमें मियोसिस होगा और वो हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा। तो ये जो है लाइफ साइकिल है इसकी, जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है फंजाई की, ठीक है। नाउ व्हेन अ, इससे पहले एक और बात है, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज, ठीक है। कुछ एक होता है जिनमें जो फ्यूजन होता है दो हैप्लॉइड सेल्स का, उससे एकदम से 2N बन जाता है डिप्लॉइड सेल्स। अगर दो हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी तो 2N बन जाएगा। तो कुछ एक में तो इमिडिएटली फॉर्म हो जाता है 2N, बट कुछ में क्या होता है, जैसे कि हमारा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है, वी विल टॉक अबाउट देम लेटर। सो जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है उनमें एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाती है, ना वो अलग अलग रहते हैं NN, ना वो 2N बनते हैं, तो एक स्टेज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं N प्लस N। अब इस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियन, ठीक है ना, और फेज को बोलते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस, ठीक है ना। तो इमिडिएटली जो मियोसिस होता है उसके बाद कई में तो N प्लस N, N और N अलग अलग बन के 2N बना देती है, बट कुछ में इंटरवेनिंग फेज बन जाती है, यानी कि N प्लस N, ना तो वो अलग अलग N रहता है, ना वो अलग अलग, ना वो एक 2N बनता है। तो इस N प्लस N को डाइकैरियन कहते हैं और इस फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं फंजाई की, ठीक है। नाउ वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द फंजाई। फर्स्ट वन इज फाइकोमाइसिटी। नाउ द मेंबर्स ऑफ द फाइकोमाइसिटीज ग्रुप, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुडन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है ना। तो अब ये तीन तरीके से मिलते हैं, एक तो एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलेंगे हमें, दूसरा डिकेइंग वुड में मिलेंगे, ठीक है ना, जो वुड सड़ रही होगी उसमें, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में, या फिर प्लांट्स पे मिलेंगे एज पैरासाइट्स, ठीक है ना, पैरासाइट्स की तरह मिलेंगे जो उन्हीं से सारा अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब इनका जो माइसीलियम होता है, अब ध्यान से सारे जो मैं क्लासेस बताऊंगी हमारे जो फंगाई की हैं, यू हैव टू रिमेंबर द टाइप ऑफ माइसीलियम, एंड माइसीलियम इज व्हाट, माइसीलियम इज द नेटवर्क ऑफ हाइफे। So you have to remember each and everyone type, what is the type of mycelia in each of these classes. So the mycelium of this phycomycetes, it is aseptate, means there are no septa in between, it is a continuous hyphae, a mycelium, and it is cenocytic, means it is filled with cytoplasm and many nucleus. So it is
सीनोसाइटिक एज वेल एज एसेप्टेट. नाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स. नाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज अकर्स बाय टू स्पोर्स, दैट इज ज़ूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स. ओके, सो दीज ज़ूस्पोर्स दे आर द मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स, वाइल एप्लेनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स. इफ यू थिंक यू कांट मेमोराइज इट और इफ यू कांट रिमेंबर इट, प्लीज राइट इट डाउन. ज़ूस्पोर्स आर द एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, वाइल द एप्लेनोस्पोर्स आर द नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज. नाउ अ ज़ाइगोस्पोर इज, नाउ दीज स्पोर्स दे आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम. ठीक है ना, अभी जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंजियम करके एक स्ट्रक्चर होता है फाइकोमाइसिटीज में, उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं. एंड अ ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स. अब इसमें भी एक ज़ाइगोस्पोर बनता है बाय द, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, ये तो एसेक्सुअल थे दोनों, ठीक है ना. नाउ ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स एंड दीज टू गमीट्स दे कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी. जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे ही दिखते हो, डिसिमिलर भी हो सकते हैं. नाउ इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, म्यूकर, दिस इज म्यूकर. ओके, देन राइजोपस विच इज द ब्रेड फंजाई. ब्रेड आपने देखी, आप बहुत दिन तक रख देते हैं ऐसे ब्लैक 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 ब्लैक, ये तो बहुत ज़्यादा दिखाया है, बाकी ऐसे छोटे छोटे ब्लैक के स्पॉट्स दिखते हैं, दैट इज नन अनर देन द राइजोपस, दैट इज अ फाइकोमाइसिटी. तो अगली बार आप जब देखें तो मम्मी को बताना, मम्मा ये राइजोपस है, ठीक है. ओके, देन एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड. ठीक है ना, एक होता है एल्ब्यूगो, ठीक है ना, जो कि मस्टर्ड प्लांट पे रहता है, इट इज अ पैरासिटिक फंजाई ऑफ मस्टर्ड. आई होप इट्स क्लियर. So let's move to the next class, that is the ascomycetes. Now ascomycetes, they are also known as sac fungi. ठीक है ना, बोरा, sac means बोरा. So they are also known as sac fungi and they are mostly multicellular. So they include penicillium and yeast. ठीक है ना, तो इसके अंदर दो आते हैं हमारे, penicillium, ascomycetes में सबके examples याद रखने हैं, and yeast. So penicillium is multicellular. वाइल मैंने पहले ही बता दिया था यीस्ट इज यूनिसेल्युलर. ठीक है, देन दे आर सेप्रोफाइटिक, मतलब दूसरे पे रहते हैं, मतलब डेड डिकेइंग प्लांट्स पे. दे आर डीकम्पोजर्स, ऑल्सो डीकम्पोज करते हैं जो भी डेड मटेरियल होता है उसे. पैरासिटिक एंड कॉप्रोफाइलस. सो व्हाट इज कॉप्रोफाइलस? कॉप्रो मीन्स डंग एंड फाइलस मीन्स लविंग. सो दे आर डंग लविंग, सो दे लिव ऑन डंग. ठीक है ना, जो डंग डंग पे ग्रो करते हैं, डंग लविंग, दे आर डंग लविंग. And with the ascomycetes, some of the ascomycetes, they grow on dung. ठीक है ना, now इनका mycelium क्या होता है? Septate होता है और branched होता है. मैंने phycomycetes का क्या बताया था? It is aseptate and cenocytic. But the mycelium of ascomycetes is branched and septate. एक तो septate होता है as well as branched भी होता है. ठीक है, then the asexual spores are conidia. अब इसके asexual spores को बोलते हैं conidia. उसके एसेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या बोल रहे थे? ज़ूस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स. इसके एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम है कोनिडिया एंड दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली ऑन अ स्पेशल माइसीलियम विच इज नोन एज कोनिडियोफोर्स. ठीक है ना, तो कोनिडिया जो है वो बाहर की तरफ बनते हैं, स्पेशल माइसीलियम होता है जिसको कोनिडियोफोर्स बोलते हैं हम. सपोज दिस इज द पेनिसिलियम, द ग्रीन वन, एंड दिस इज द यीस्ट, दिस इज यूनिसेलुलर, दिस इज मल्टीसेलुलर. ठीक है, तो जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो बाहर की तरफ बनते हैं. ठीक है, बाहर की तरफ बनते हैं कोनिडियोफोर्स में. ठीक है ना, एंड दे आर नोन एज कोनिडिया. वेल द सेक्सुअल स्पोर्स जिनको हम एस्कोकार्प्स बोलते हैं, ठीक है ना, सॉरी एस्को स्पोर्स बोलते हैं, सॉरी एस्को स्पोर्स बोलते हैं, जो कि सेक्सुअल, मैंने बताया था कि सेक्सुअल स्पोर्स को एस्को स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स. तो जो क्लास है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं इसको, जो क्लास है फंजाई की उसके नाम पे उसके सेक्सुअल स्पोर्स का नाम है. ठीक है ना, तो एस्को स्पोर्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड एंडोजीनियसली इन अ सैक लाइक एस्काई. ठीक है ना, ये व्यक्ति इसके फंजाई के अंदर बनते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एस्काई. ठीक है ना, इट इज प्लूरल फॉर्म, एस्कस इट इज नोन एज. ठीक है ना, तो एस्कस के अंदर एस्को स्पोर्स बनते हैं विच आर सेक्सुअल स्पोर्स. नाउ दीज एस्काई दे आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज विच आर नोन एज एस्कोकार्प्स. अब ये जो एस्काई हैं ये एक सिंगल नहीं होता है, दे आर अरेंज इन अ फ्रूटिंग बॉडी. वो अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है उनका फ्रूटिंग बॉडीज में, एंड दीज फ्रूटिंग बॉडी आर नोन एज एस्कोकार्प्स. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल क्या है इसके? एस्परजिलस,
ठीक है, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा. नाउ न्यूरोस्पोरा जो है हमारा, ठीक है ना, सबकी मैंने पिक्चर्स यहाँ नहीं दिखाई हैं, बट एग्जांपल्स आप लिख लीजिए. एस्परजिलस, आई विल राइट इट डाउन हियर, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, ठीक है, और तीसरा है न्यूरोस्पोरा. अब एक पॉइंट बताती हूँ आपको न्यूरोस्पोरा के बारे में. सो न्यूरोस्पोरा इट इज़ यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है ना. तो ये जो न्यूरोस्पोरा है इट इज़ वाइडली यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है ना, इन दोनों में ये काम में आता है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्लास दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज. नाउ द बेसिडियोमाइसिटीज दे ग्रो ऑन सॉइल, लॉग एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, ठीक है ना. अब ये भी जो है मिट्टी में रहते हैं और तने पे रहते हैं, लॉग्स पे रहते हैं, ट्री के स्टम्प जो ठूंठ रह जाता है, ट्री का काट देते हैं फिर उसका बस वो ठूंठ बचता है, उस पर भी रहते हैं ये, और लिविंग प्लांट बॉडीज पे भी रहते हैं एज पैरासाइट्स. मशरूम, आप लोगों में से काफ़ी लोग मशरूम खाते होंगे, इट इज़ ऑल्सो अ फंगस, ठीक है ना, और इट कम्स अंडर बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है ना. तो ये जो कम से कम जो नॉर्मल आप डेली खाते हैं वो आपको याद रहना चाहिए कि मशरूम विच इज़ दी एगेरिकस, इट इज इट्स साइंटिफिक नेम इज एगेरिकस, सो इट कम्स अंडर द क्लास बेसिडियोमाइसिटीज ऑफ किंगडम फंजाय, ठीक है ना. अब इनका माइसिलियम भी ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, सिमिलर टू एस्कोमाइसिटीज. तो इन दोनों का याद इजीली हो जाएगा कि एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों का माइसिलियम जो होता है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है. नाउ द एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें मिलते नहीं है, दे आर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते, बट हाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना. फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, बट एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते हैं. ऐसे ही दूसरी तरफ सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर एब्सेंट, लेकिन प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप्स, ठीक है ना. वैसे सेक्स ऑर्गन्स इनमें नहीं होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी जो है वो प्रेजेंट होती है. कैसे? फ्यूजन हो जाता है दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स का, डिफरेंट स्ट्रेन्स की या जीनोटाइप्स की, उनका फ्यूजन हो जाता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है एक तरह से. ऐसे ही एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है. अब इनमें क्या होता है, जब ये सेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो डाइकैरियोटिक फेज होता है, यानी कि इट इज़ एन प्लस एन, जो मैंने भी आपको पिछली स्लाइड में समझाया था, इट इज़ एन प्लस एन. सो इट इज़ नॉट एन एन एंड इट इज़ नॉट टू एन, सो इट इज़ अ इंटरमीडिएट स्टेज, दैट इज दी टू सॉरी एन प्लस एन, दैट इज द डाइकैरियोटिक फेज. सो दिस डाइकैरियोटिक फेज इट अल्टीमेटली इट गिव्स राइज टू द बेसिडियम. ओके, सो बेसिडियोमाइसिटीज है तो नाम भी उसी से आ रहे हैं. सो इट गिव्स राइज टू द बेसिडियम एंड द कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन दिस बेसिडियम. नाउ कैरियोगैमी दैट इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड द मियोसिस, दे बोथ टेक्स प्लेस इन दिस बेसिडियम which produce four basidiospores, ठीक है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायकैरियो फेज होती है, डायकैरियोटिक फेज होती है इसमें, जिसके बाद बेसिडियम बनता है. इस बेसिडियम में कैरियोगैमी और मियोसिस होता है और इसके बाद फोर basidiospores जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड. नाउ दीज basidiospores दे आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली. अब ये जो basidiospores होते हैं दे आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली इन स्ट्रक्चर और इन ऑन दी बेसिडियम, ठीक है ना. जो बेसिडियम होता है उसी के ऊपर ये basidiospores जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनसली. एंड दीज बेसिडिया दे आर ऑल्सो अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज विच आर नोन एज basidiocarps. सो काफ़ी हद तक जो एस्कोमाइसिटीज हैं और basidiomycetes हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. तो बेसिडियम और उसमें भी एस्काय था, ठीक है ना. तो बेसिडियम भी जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज रहता है, जिसको basidiocarps बोलते हैं. अब इसके कुछ मेंबर्स के नाम लिख लिए, अगेरिकस, मशरूम, ठीक है ना, अस्टिलागो, अस्टिलागो इसको हम स्मट भी बोलते हैं, ठीक है ना. देन पक्सीनिया विच इज़ द रस्ट फंगस, वीट रस्ट बताया था मैंने, दिस इज़ दी पक्सीनिया, ठीक है. ये रप्चर्ड एपिडेमिस है, ये इसका एपिडेमिस है, ये इसका यूरिडोस्पोर है, ये बाहर आ गया स्पोर बन के, इसके स्पोर को यूरिडोस्पोर बोलते हैं. दिस इज़ दी स्टॉक, दिस इज़ दी बेसल सेल, दिस इज़ दी होस्ट सेल, ठीक है ना. ये सब ये है हमारा पक्सीनिया ग्रामिनस, ठीक है ना. वीट लीफ को पास करके निकल रहा है यूरिडोसोरस, ये एक यूरिडोस्पोर बताया जो स्पोर बनता है वो. तो सबके नाम अलग अलग हैं, ठीक है ना. वैसे कॉमनली हम बोलेंगे basidiospores. नाउ कम्स दी अनदर क्लास दैट इज द ड्यूट्रोमाइसिटीज. नाउ ये एक अलग टाइप की क्लास है फंजाई की,
बिकॉज इट इज़ नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई. वाई इट इज़ नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई? बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन. अब इस फंजाई की सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ठीक है ना, तो या वेजिटेटिव फेज ही होता है इसमें, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है ना. जब सेक्सुअल फॉर्म अगर इन जैसे इसमें सपोज करो कुछ भी नाम दे दो, वन नाम ही दे दो जैसे, ठीक है ना, वन नंबर का फंजाई जो है, वन फंजाई है, ठीक है ना, इट इज़ अ फंजाई विच इज़ अ ड्यूट्रोमाइसिटी, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है. अगर दो ये डिस्कवर होने के 4 साल बाद पता चला कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो उसको फिर उस क्लास में दूसरी क्लासेस में मूव करा दिया जाएगा, इधर इन एस्कोमाइसिटीज और इन फाइकोमाइसिटीज और इन बेसिडियोमाइसिटीज, ये देख के कि उसमें किस तरह का हो रहा, किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बेसिस पे इसको बाकी 3 क्लासेस में मूव करा दिया जाएगा. तो ड्यूट्रोमाइसिटीज में वही फंजाई रहेंगे जिनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है. नाउ इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड दे आर प्लेस्ड अंडर ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड द सेक्सुअल स्टेज इज गिवन अनदर नेम एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास. तो ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या उस पर्टिकुलर फंजाई की उस स्टेज को नाम दे के ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर रख दें जो कि एसेक्सुअल फेज है, और दूसरी जो सेक्सुअल फेज है उसको दूसरा नाम दे के जिस तरह की सेक्सुअल साइकिल से वो कोरिलेट कर रही है या उसकी जैसी है दूसरी क्लास में रख दी, इधर इन एस्को और इन बेसिडियो और इन फाइको, इस तरह से. सो वंस परफेक्ट स्टेज, ये मैंने आपको बताई दिया, अगर किसी भी ड्यूट्रोमाइसिटी के मेंबर की सेक्सुअल स्टेज के बारे में पता चल जाता है तो उसको उस क्लास में मूव करा दिया जाता है जिससे वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है ना. कुछ एग्जाम्पल्स अभी भी हैं इसके ड्यूट्रोमाइसिटीज के, यू कैन राइट इट डाउन. ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया, ठीक है, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, ओके, एंड ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा. तो ये 3 एग्जाम्पल इसके याद रखो, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा. अभी तक इनके सेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं चला है, जैसे ही अगर इनकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ भी पता चल गया तो वो ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास से उनको मूव करा के जो उनकी करस्पॉन्डिंग क्लास है उसमें उसको डाल दिया जाएगा. ओके गाइज, सो दीज वर दी क्लासेस, दीज वर दी किंगडम्स विच आई हैव टॉक्ड अबाउट टुडे, द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड दिस फंजाई. ठीक है, मैंने किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं अलग सेपरेट चैप्टर्स में लूँगी उनको, ठीक है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आप लोगों पे अगर मैं एक ही लेक्चर में इन सबको कवर कर दूँगी तो. और मैंने इसमें वायरस वायरॉइड्स और लाइकन्स वो भी इंक्लूड नहीं किया है. आई विल टेक अ सेपरेट चैप्टर ऑन, सेपरेट लेक्चर ऑन दिस, ठीक है ना. विल इट बी ओके फॉर यू ऑल? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है ना. वैसे मैं उस वाले जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें लूँगी वायरस, चिंता मत करो, वायरस के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है ना. और किंगडम और प्लांटे का भी अलग अलग चैप्टर्स लूँगी क्योंकि वो तो बहुत वास्ट टॉपिक है. सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन. एस्परजिलस इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस, विच ऑफ देम कैन सर्वाइव, देन वॉट आर कोनीडिया, ठीक है ना. तो ये 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है ना. आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स, प्लीज गाइज कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दीज आर द आंसर्स फॉर द फर्स्ट लेक्चर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना. ये सब आंसर्स हैं, प्लीज मैच योर आंसर्स. अगर आप लोगों ने सॉल्व किए हैं तो मैच करिए कि आपके कौन कौन से आंसर्स सही हैं, और जितना ज़्यादा हो सके कमेंट्स में अपने आंसर लिखा करो, उससे आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा रहेगा तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करते रहोगे. और अगर लेक्चर पढ़ने में मज़ा आया, अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा. वैसे रोज़ 3 बजे हमारा जो है 11th का लेक्चर आएगा दोपहर में, और शाम को 6:30 बजे 12th का लेक्चर आएगा, ठीक है. और इसकी PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ फ्री PDF नाम का एक सेक्शन आपको मिलेगा. फ्री PDF में जाके आप 12th बायोलॉजी 11th बायोलॉजी को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं. लेकिन एक बात कि वीडियो पहले पढ़ना, PDF सिर्फ रिवीजन के लिए रखना, क्योंकि PDF में सब चीज़ नहीं है और वीडियो में मैंने आपको सब चीज़ बताई, ठीक है. तो कल हम मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.